चलिए बेटा बेटा गुड मॉर्निंग। तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ पर सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग थ्योरी में ही। टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्लास वन। सुनिए बेटा, जैसे पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी अब वो नहीं पूछता है, लेकिन स्टिल कई बार दो नंबर चार नंबर के शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो इसके दृष्टिकोण से थोड़ा सा ज़रूर पढ़ेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तीन शब्द हैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल में, पूरा एक टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग थ्योरी में जिसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वैसे ऑल दो आपने क्लास इलेवेंथ में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, याद है बेटा? सर हमें तो ये याद नहीं है कि कल क्या पढ़ा था, आप क्लास इलेवेंथ की बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं सारी बातें यहाँ पर आपको दोबारा से रिकॉल करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, तीन अलग अलग शब्द हैं, तीन अलग अलग शब्द हैं। वैसे ऑल द थ्री आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, तीनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। यानी आप कहीं भी वर्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। एक मिनट बेटा, यस, तो दीज थ्री वर्ड्स आर कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। अगर हम पूरे अपने स्टडी मटेरियल में भी देखें तो वो लिखते हैं वहां पर एक साथ ही कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, लेकिन देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, एक बार बता देता हूं, लेकिन आज के बाद हम दोबारा इस डिफरेंस की बात नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अजम्पशंस, जिन अजम्पशंस पर अकाउंटिंग बेस्ड है हमारी, जिन अजम्पशंस पर अकाउंटिंग बेस्ड है, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग करते वक्त हम मान लेते हैं कि सर ऐसा ही होगा, या बिजनेस की प्राइमरी अजम्पशन ही ये है। सो दीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रिंसिपल्स की बात करें तो वर्ड प्रिंसिपल मींस रूल्स। भाई रूल है ये तो, अकाउंट्स का अकाउंटिंग करते वक्त ये रूल होता है। सो दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट इज कन्वेंशंस? अगर मैं वर्ड कन्वेंशन की बात करूं तो कन्वेंशन का मतलब क्या? कन्वेंशन का मतलब होता है बेटा प्रैक्टिसेस या यूसेज, चलन, जिसे हम बोलते हैं चलन में है, ट्रेंड में है। भाई हम ऐसे ही करते आ रहे थे इसलिए हम ऐसा ही करते हैं, कि भाई 10 साल से 20 साल से 50 जब से भी अकाउंटिंग हो रही है तो ये काम तो ऐसे ही होता आया है, कोई रूल नहीं है, कहीं लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसे ही करते आए हैं तो ऐसे ही करते इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मैं आपसे कोई भी चीज पूछूं, मैंने कहा बेटा ये एंट्री क्यों की आपने, तो आपके जवाब क्या होंगे? सर मैंने ऐसा मान लिया, मेरी अजम्पशन ये थी इसलिए मैंने ऐसा किया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सर ये मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि अकाउंटिंग का रूल ये कहता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया मैंने या
आपका जवाब क्या होगा? सर मैंने इसलिए किया क्योंकि ये तो एंट्री ऐसे ही होती आई है, इस ट्रांजैक्शन को तो हम ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं, प्रैक्टिस ही है, यूसेज में ही ऐसे चलन ही ऐसा है। नाउ दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आज के बाद मैं इसके बाद इन तीनों वर्ड को इंटरचेंज नहीं करूंगा। तीनों भाई भाई हैं, तीनों छोटे बड़े भाई हैं, लेकिन हम आज के बाद जब भी बात करेंगे तो एक साथ ही नाम ले लिया करेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तो ऐसे कौन कौन से कन्वेंशंस, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग करते वक्त हम फॉलो करते हैं, यूज करते हैं? हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो सारी अकाउंटिंग, वो सारी एंट्रीज इन पर बेस्ड होती है, या तो किसी रूल पर बेस्ड है, या मेरी किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, या किसी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे कौन कौन से कुल मिलाकर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं? कुल मिलाकर 10-12 कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहां पर वन बाय वन में आपको कवर कराऊंगा। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारे हमारे ICAI के स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। तो वी विल बी कवरिंग दीज कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन। देखें तो सबसे पहले सारी बातें आपको सुनी हुई लगेंगी जो नाम मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिकॉज ये आपने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। सबसे पहले एक होता है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इन सब के बारे में स्टडी मटेरियल में जो क्लास नोट्स हैं मेरे, जो आपको बुक मिली हुई है, उसमें सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आराम से जाकर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कोई एक शॉर्ट नोट आ सकता है, 4 नंबर का 6 नंबर का, किसी भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्टिंग्विश पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, या कोई छोटा मोटा केस बनाकर भी आपको दे सकता है। यहां पर पूरा का पूरा फोकस मेरा कॉन्सेप्ट के ऊपर समझाने में है, रट्टा मारने की आवश्यकता आपको फिर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यू कैन आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी जो हम क्लास में यहां पर करने वाले हैं। पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये? बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ये देखो, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, लो जी बिजनेस एंड बिजनेसमैन। सर इसकी आंखें छोटी बड़ी इनमें लाए, ये लो, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिक्स मत करिएगा। एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। हम जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, मैंने क्या किया, मैंने 5,000 रुपए का सामान उठाकर घर ले गया। मैंने कहा मुंशी जी रिकॉर्ड कर लेना। अब मुंशी जी कह रहे हैं सर छोड़ो ना, आपका बिजनेस है, आप माल लेकर जाओ लेकर आओ, क्या फर्क पड़ना है, आपका ही तो सारा प्रॉफिट है, आपका ही तो सारा लॉस है, सारा स्टॉक भी आपका है, तो अगर आप ही कुछ ले गए तो क्या फर्क पड़ना है, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, छोड़ो सर छोड़ो। बट द आंसर इज नो, इवन दिस ट्रांजेक्शन needs to be recorded in the books of accounts. Books of accounts में अगर मैंने business से कुछ लिया, मैं यानी businessman, मैंने कुछ business से लिया या मैंने कुछ business को दिया, मैंने क्या लिया, cash निकाल लिया, मैंने goods निकाल लिए, मैंने क्या दिया, मैंने capital introduce की, मैंने loan दिया, should all be recorded in the बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सारा का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि
बिजनेस इसको एक सेपरेट एंटिटी मानेगा। जैसे मेरे लिए दूसरे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, वैसे ही आपको इस बिजनेसमैन को भी ट्रीट करना है। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से हम ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी वाली? जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जैसे लोन गिवन, जैसे गुड्स ड्रॉन, जैसे कैश ड्रॉन, ऑल दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में, ये सारी रिकॉर्ड होंगी। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आसान है, क्या पूछेगा वो? वो ये पूछेगा आपसे, राम हैज विड्रॉन 5,000 rupees फ्रॉम द बिजनेस, बट द अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैज बीन वायोलेटेड? प्लीज स्टेट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। तो इस तरीके से वो आपको एक केस बनाकर साथ में पूछ सकता है, भाई साहब कौन सा वायलेटेड हुआ? हम कहेंगे जी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हैज बीन वायलेटेड बाय द अकाउंटेंट एंड विच स्टेट्स, जो ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, ऑल द ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड All these transactions will find place in the books of accounts. आप ये ना कह पाओगे कि सर आपका ही तो बिजनेस है, सर क्या रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कर लिया तो ठीक, नहीं भी किया तो कौन सी आफत आ गई? नहीं, नहीं कर सकते। सारी ट्रांजेक्शन्स को किताबों में रिकॉर्ड करना ही करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा बात? चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वी हैव इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा है बेटा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एज द नाम नेम सजेस्ट, मनी, मनी क्या होती है बेटा? पैसा, जिसमें आप ट्रांजैक्शंस, और मेजरमेंट क्या होता है बेटा? नाप तोल करना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आओ बेटा, कौन सी? सिर्फ वो ट्रांजेक्शंस जिसको हम पैसे की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम पैसे की टर्म्स में नाप तोल कर सकते हैं, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड, विल फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई देखो, ये कहा गया कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी वो सारी रिकॉर्ड करनी है। बिल्कुल ठीक, कल को याद रहे ना रहे तो चलो सबको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सैलरी दी, कैश पे किया, कैश आया, माल बेचा, माल खरीदा, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट कहता है ये सिर्फ वो रिकॉर्ड करोगे जिसका, जिसको आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। दोज ट्रांजेक्शंस विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, दोज ट्रांजेक्शंस विल नॉट फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर जैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, सब जानते हैं मेरे पास जितनी एसेट हैं बिजनेस में, जितनी एसेट्स हैं उन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना होता है। जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। एसेट मतलब क्या? जिनसे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट होगा, जिनको यूज करके मैं गुड्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, सर्विस रेंडर कर सकता हूं, ऑल दोज आर कॉल्ड एसेट्स। सिमिलरली मेरी एक एसेट और भी है,
लैंड दिखाई मैंने, बिल्डिंग दिखाई मैंने, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मेरे एम्प्लॉयज। बहुत ईमानदार है बेटा एक एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई मेरा बहुत ईमानदार है, एक दूसरा एम्प्लॉई मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, और इसकी ईमानदारी और दूसरे की होशियारी मेरे को भविष्य में बहुत बढ़िया मुनाफे कमा कर देने वाली हैं। आओ आज के बाद इसका मतलब बैलेंस शीट में हम यहां पर एसेट साइड पर एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसी होशियारी, एम्प्लॉयज ऑनेस्टी, आओ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बेटा दिखाने की कोशिश तो की मैंने, बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैल्यू कितनी आपको नहीं पता, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं कि एम्प्लॉई की जो होशियारी है, उसकी जो ईमानदारी है, उसका भाव क्या है। वी कैनॉट एक्सप्रेस दीज आइटम्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, बिजनेस की एसेट है, बट वी कैनॉट एक्सप्रेस इट इन द मॉनिटरी टर्म्स। इसकी वैल्यू कहां पता हमें, और जिसकी वैल्यू नहीं पता, दीज विल नॉट फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी आज के बाद ये मेरी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस और आइटम्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी विल फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द आइटम्स विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसे की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो किताबों में नहीं आएगा। आपने माल खरीदा, कितने का खरीदा, मॉनेटरी वैल्यू है, एंट्री कर लो। आपने माल बेचा, कितनी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू मालूम है, रिकॉर्ड कर लो। एक एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया, एक एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया, एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई, क्या ये बिजनेस एक्सीडेंट हो गया किसी का, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, बिल्कुल हैं, ये सारी वो घटनाएं हैं जो बिजनेस में घटित तो हो रही हैं, बट दीज विल नॉट बी रिकॉर्डेड। किसी एम्प्लॉय को आपने अपॉइंट कर लिया, यस दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस में एक घटना घटित हुई है, एक नए एम्प्लॉय का आपने अपॉइंटमेंट किया है, बट क्या कभी उसकी एंट्री की है आपने, नहीं करेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आई होप काफी मैंने इसके ऊपर आपके साथ चर्चा कर ली, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बेटा ठीक है इतनी बात, जल्दी बोलो बेटा। चलिए ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव, ये सब बेटा नोट्स में आपके पास जो बुक है उस सब में इसके बारे में लिखा हुआ है, उसकी रीडिंग आप कर लीजिएगा। फिलहाल मेरा पूरा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने में है, वहाँ पर शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है आपसे, मैं फिर बता रहा हूँ, डिफरेंसेस भी पूछ सकता है आपसे, इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर दीजिए, या ये भी पूछ सकता है कि हमने ये मेरे मुंशी जी ने किताबों में ये कर दिया, तो बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट उसने वायोलेट कर दिया, उसने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया। और सुने, एक है हमारे पास, नाम ही आसान है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जी बेटा क्या होता है बेटा ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्यूअल। ड्यूअल क्या होता है जी, ये ड्यूअल का मतलब होता है डबल, डबल। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है जी, आप बिजनेस में बड़ी सारी एंट्रियां करने वाले हैं, एक घटना को, जो भी कोई घटना होगी उसे किताबों में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल करूंगा, बल्कि मैं बताया था आपको सिर्फ वो करूंगा जिनकी मॉनिटरी वैल्यू होगी। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, तो एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे, हर ट्रांजेक्शन जो आप रिकॉर्ड करेंगे उससे दो अकाउंट प्रभावित होंगे, दो जगह रिकॉर्ड होगा, दो एस्पेक्ट होंगे उसके। कौन कौन से,
वन विल हैव डेबिट एंड वन विल हैव द क्रेडिट। कुछ ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जितनी भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, वो इक्वल अमाउंट से किसी खाते में डेबिट होती है और उतने ही अमाउंट से कहीं और क्रेडिट भी होती है। कंप्लीट ही नहीं होगी, घटना पूरी रिकॉर्ड मानी ही नहीं जाएगी जब तक वो दो जगह रिकॉर्ड ना हो जाए। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कह रहा है, बस बोल रहा है आप सिर्फ एक अकाउंट को डेबिट करके छोड़ दो या कहीं पर सिर्फ क्रेडिट करके छोड़ दो, नहीं बात बनेगी। एवरी ट्रांजेक्शन विल डेफिनेटली हैव टू इम्पैक्ट्स। कौन कौन सा? एक जगह डेबिट और एक जगह क्रेडिट, दैट्स इट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, वही है ये। ड्यूअल यानी डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। बेटा बढ़ूं आगे, चलो आसान था ये, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज पीरियोडिसिटी, या इससे पहले पढ़ता हूं दूसरा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मैंने बता रखा वैसे कहीं और भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी होता है, वो मैंने आपको, अलग टॉपिक है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, वहां पर बता भी रखा है। फिलहाल वापस आइए यहां पर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, ये सबको पता होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस विल ऑलवेज हैव इनफाइनाइट लाइफ, बिजनेस की हमेशा इनफाइनाइट लाइफ होती है। देयर इज नाइदर द इंटेंशन, ना तो मेरी कभी इच्छा होगी, नॉर द नेसेसिटी, ना कभी जरूरत पड़ेगी टू वाइंड अप द बिजनेस, बिजनेस को बंद करने की। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है फिर सुनिए, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है आज जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया पॉइंट जीरो पर, दिस बिजनेस विल कॉन्टिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड इन फ्यूचर। वो अलग बात है, आज जब शुरू करूंगा, आप सोचिए लॉजिकल है, आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि भाई बढ़िया मुनाफा होगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, और जब तरक्की होगी तो बंद करेंगे ही क्यों बिजनेस को। यानी बिजनेस विल कॉन्टिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड इन फ्यूचर। अब आप जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो इस सोच के साथ ही करेंगे कि बिजनेस बंद तो कभी होना ही नहीं है। नाउ दिस इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या जिसको हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी कहते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी कहते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कह लीजिए या गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये हम मान लेते हैं बिजनेस करते हुए। मुंशी जी आएंगे अकाउंटिंग करने, मैंने मुंशी जी को अपॉइंट किया, मुंशी जी आए, मैंने कहा मुंशी जी अकाउंटिंग शुरू कर दो। मुंशी जी ने पूछा, सर ये तो बताओ बिजनेस कितने साल तक चलाओगे, कितने साल तक चलेगा बिजनेस ये? बेटा क्या करोगे जरा बताओ। सर करना क्या, तन बदन में आग लग गई सुनते ही, जो हाथ में आएगा वही मुंशी जी के सिर में देकर मारेंगे। अरे मुंशी जी काली काली जवान है, क्यों ऐसी बात करते हो? तो ऐसे में मुंशी जी को ये अपने आप से ही मान लेना है, इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये मान लेना है कि भैया जो आज बिजनेस शुरू हुआ वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलता रहेगा। ये जो बैलेंस शीट बनती है, आपने रेंट पे किया, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया सारा, खत्म। सैलरी पे की, पूरी पीएनएल में ट्रांसफर कर दी, खत्म। ये बिल्डिंग के लिए पेमेंट किया आपने, कुछ तो डेप्रिसिएशन लगा दिया, बाकी दिखा दी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्यों दिखाई?
सर वो अगले साल भी इस्तेमाल होगी, जितनी घिसावट अगले साल आएगी उतना फिर पीएनएल में, फिर तीसरे साल में एंड चौथे साल में, तीसरा चौथा साल कहाँ? ओ सर वो यहीं से तो आया, क्योंकि हमें मालूम है बिजनेस तो इनफाइनाइट ईयर्स तक चलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। बैलेंस शीट बनाओ, कुछ इस साल ट्रांजैक्शंस, उसमें से अगले साल कुछ राइट ऑफ, फिर कुछ राइट ऑफ एंड सो ऑन। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दिस स्टेटमेंट, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस विल कॉन्टिन्यू फॉर इनडेफिनेट पीरियड इन फ्यूचर। देयर इज नाइदर द इंटेंशन, ना तो इंटेंशन होगी, नॉर द नेसेसिटी, ना ही कोई जरूरत होगी टू क्लोज द बिजनेस, टू वाइंड अप द बिजनेस। बिजनेस बंद करने की ना कोई आवश्यकता होगी, ना ही कोई जरूरत होगी। आई होप समझ में आ गई होगी बात। आसान सा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। नेक्स्ट वी हैव इज कौन से नंबर पर आ गए बेटा हम? फिफ्थ। नेक्स्ट वी हैव इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नाम देखो बेटा फटाफट ध्यान से, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियड, वर्ड पीरियड, सुनो क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि जी देखो अभी आप बताकर आए हो हमारे को कि जो आज बिजनेस शुरू किया जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पर, दिस बिजनेस विल हैव इनफाइनाइट ईयर्स, लाइफ ऑफ इनफाइनाइट ईयर्स। जब इनफाइनाइट ईयर्स की लाइफ है यहां पर, तो ऐसे में इस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हो, कब निकलेगा? सर अभी बिजनेस शुरू किया हुआ है, जिस दिन बिजनेस खत्म हो जाएगा उस दिन सारी इनकम आज तक की और सारे एक्सपेंसेस लिख डालेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा बिजनेस का पूरी लाइफ का। भाई जब कोई बिजनेस बंद होगा तभी तो उसका अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे। आंसर इज यस। अब प्रॉब्लम ये आई, तो क्या इसका मतलब मैं इनफाइनाइट ईयर्स का खत्म होने का इंतजार करूं टू डिटरमिन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड फ्रॉम द बिजनेस? ना भाई ना, तो क्या करें? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है अब कि आप जितनी भी बिजनेस की लाइफ है इसको स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लीजिए, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए, एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड द पीरियड, इज कॉल्ड द अकाउंटिंग पीरियड। अब आप एक काम करना, ये जो पीरियड है दो तरीके के पीरियड हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? इट कैन बी अ फाइनेंशियल ईयर और इट कैन बी अ कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर माने कौन सा बेटा? जो फर्स्ट अप्रैल, जो अप्रैल से लेकर कब तक का होगा? 31 मार्च तक का होगा, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जो फर्स्ट जनवरी से 31 दिसंबर तक का होगा, दैट विल बी कॉल्ड अ कैलेंडर ईयर। तो खैर जो चाहे मर्जी कर लीजिए, जनरली जनरली ये जो अकाउंटिंग पीरियड होगा 12 महीने का होगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जनरली, जनरली ये 15 महीने का भी हो सकता है, आप 9-9 महीने की अकाउंटिंग कर लो, आप 15-15 महीने की अकाउंटिंग कर लो, जनरली हम 12 महीने यूज करते हैं। और जनरली हम इसी को फॉलो करते हैं। सर ऐसा क्यों? देखो आप कुछ भी कर लो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने बोला हुआ है, हम नहीं जानते कुछ और, हम नहीं जानते, हमारे लिए अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा,
हमारे लिए हमेशा फाइनेंशियल ईयर ही हम यूज करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने 9-9 महीने की अकाउंटिंग कर रखी है, 15 महीने की कर रखी है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कर रखी है, सब ठीक, लेकिन इनकम टैक्स वालों के लिए मुझे सारे खाते दोबारा बनाने पड़ेंगे। ओ माय गॉड, सर सुनकर ही पसीने छूट गए। हाँ, दोबारा बनाने पड़ेंगे आपको, तो क्या किया जाए भाई? फिर बोलो बेटा क्या किया जाए। हाँ, एक ही तरीका है फिर तो। सर एक काम करते हैं ना, छोड़ो, 12 महीने ही ले लेते हैं और हमेशा फाइनेंशियल ईयर ही पकड़ लेंगे। अब फायदा ये कि मेरा काम भी हो गया और इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस भी पूरी हो गई। इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस भी पूरी हो गई। खैर वापस आइए, अब वापस आइए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्योंकि सिंस द बिजनेस विल हैव इनडेफिनेट लाइफ, तो आप पूरी लाइफ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो। ईच सेगमेंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, जो 12 महीने का जनरली होता है, या तो ये वाला या ये वाला। अब क्या, अब आप एक काम करना, हाइपोथेटिकली ये मान लेना कि यहां पर बिजनेस क्लोज हो गया, यहां पर झूठ मूठ आप ये मान लेना कि बिजनेस बंद हो गया। और जब बिजनेस बंद हो गया आज, तो जो काम आप यहां पर बिजनेस बंद के टाइम पर करने वाले थे, वो अब यहां पर कर पाओगे? यानी नाउ यू कैन डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस मेड फ्रॉम द बिजनेस। बेटा निकाल पाओगे? बोलो बेटा, निकल जाएगा ना? यस, नाउ दिस कैन बी डिटरमिन्ड, द प्रॉफिट लॉस, द फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैन बी डिटरमिन्ड। और जैसे ही बुक्स क्लोज करके आप निकलो, अगले दिन फिर से क्या अज्यूम कर लेंगे कि हमने फिर से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। यानी पूरे बिजनेस साइकिल को मैंने अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग पीरियड। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो यही कहता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है फिर सुनिए, कि पूरी बिजनेस लाइफ को, क्योंकि इनफाइनाइट ईयर्स की है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ईच टुकड़ा इज कॉल्ड अकाउंटिंग, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, विच इज जनरली ऑफ 12 मंथ्स, या तो फाइनेंशियल ईयर होगा या कैलेंडर ईयर होगा। और अब हर पीरियड के अंत पर हम ये मानते हुए कि बिजनेस बंद हो गया, वी कैन डिटरमिन द रिजल्ट्स इजिली एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। आई होप ठीक है बात बेटा, काफी कुछ बोल दिया मैंने इसके ऊपर, जरा चेक करिए फटाफट से। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट 5। चलिए नेक्स्ट देखें बेटा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। फिफ्थ के बाद नेक्स्ट देखें बेटा, इसके बाद वी हैव अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट, अक्रूअल जो हम अकाउंटिंग करते हैं अपने यहां, वो हम करते हैं अक्रूअल बेसिस पर। अक्रूअल बेसिस बोल दीजिए, या इसको हम ड्यू बेसिस बोल दें, या इसको हम मर्केंटाइल बेसिस बोल दें, एक ही बात है। समझो बेटा, अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं। इट कैन बी अक्रूअल बेसिस और इट कैन बी कैश बेसिस। दो तरीके हैं अकाउंटिंग करने के। ये क्या डिफरेंस है अक्रूअल बेसिस में और कैश बेसिस में, समझो आसान है बहुत। आप जब ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रेंट 11 महीने का 11,000 दे दिया, एक महीने का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, नहीं पे किया, बेटा क्या करते हो जरा बताना? ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एक महीने का और 12,000 यहां पर दिखा देते हैं। सिमिलरली मैंने अगर
इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मान लेते हैं 15,000 रुपये या 30,000 रुपये, जिसमें 6,000 रुपये अगले साल का था, तो प्रीपेड माइनस करके 24,000 आउटर कॉलम में। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है यहां पर कॉन्सेप्ट कि भाई साहब आपने पेमेंट कितना भी किया हो, मुझे मतलब नहीं है, कम या ज्यादा मुझे इस पेमेंट से मतलब नहीं है। वी आर कंसर्न्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड और इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड। खर्चा कितना हुआ, कितना पे किया वो नहीं देखना, कितना खर्चा हो गया। मैं जी 12 महीने हमने जगह यूज की, 12 महीने का दुकान का किराया 12,000 हो गया, सर दिया भी 11 ही है, छोड़ो दिया, जितना जितना खर्चा हो गया दैट शुड बी रिकॉर्डेड अक्रूअल बेसिस, ड्यू बेसिस। ड्यू तो 12 हो गया ना, पेमेंट कितना भी किया हो दिस फिगर इज नॉट रेलिवेंट, इसको कंसिडर नहीं करना। हम जितना पूरे साल का ड्यू है वो निकाल लिया, ऐसे आपने फालतू पे किया कोई बात नहीं, जो फालतू है हटाओ, जो सिर्फ विच पर्टेन्स टू द करंट ईयर ओनली दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दिस इज कॉल्ड अक्रूअल बेसिस या ड्यू बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, कुछ भी कह लीजिए। दूसरा होता है एक कैश बेसिस, ये तो था जी हमारा अक्रूअल बेसिस। ये कैश बेसिस क्या कहता है? कैश बेसिस बोलता है मान लो यही एग्जाम्पल है, तो इस बार जितना पे किया कम या ज्यादा और जितना रिसीव हुआ, मान लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव हुआ अब 20,000 का, शायद ये कुछ अगले साल का था, शायद कुछ पिछले साल, कोई बात नहीं, जितना आपने पे किया और जितना आपने रिसीव किया अमाउंट, चाहे वो आइदर इट रिलेट्स टू द करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और फोर्थ कमिंग ईयर, कहीं का भी हो, विल बी रिकॉर्डेड विल बी कंसिडर्ड कैश बेसिस। जितना नकद दिया वो खर्चा, जितना नकद प्राप्त हुआ वो कमाई। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूअल बेसिस एंड ये कौन सा है बेटा, जल्दी बताओ कौन सा, ये दिस इज कैश बेसिस, ये कौन सा था बेटा, ये हो गया कैश बेसिस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। मैंने मुंशी जी रखे, मुंशी जी को अपॉइंट किया, मैंने कहा मुंशी जी अकाउंटिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी, जरा देख लेना, मुझे बताओ। मुंशी जी मुझसे आकर पूछेंगे सर आपकी किताबें कौन से बेसिस पर मेंटेन होती हैं, आंसर इज नो, बिना पूछे उन्हें काम शुरू कर देना है। और कौन सा मेथड फॉलो करना है, उन्हें फॉलो करना है अक्रूअल बेसिस। देयरफॉर इट इज आल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। एक कौन सी पढ़ाई, इससे पहले मैंने अभी आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन और एक ये हो गई अक्रूअल, तीन है कुल मिलाकर, बता दूंगा ओवर द पीरियड, अलग से टॉपिक भी पूरा मैंने पढ़ा रखा है। वैसे फिर सुन लो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का मतलब होता है कि भैया कुछ चीजें ऐसी हैं फंडामेंटल बेसिक अकाउंटिंग करते वक्त अजम्पशन मान लेना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद से ही मान लेना, पूछने की जरूरत नहीं है जब तक मैं कुछ और ना बता दूं। जैसे जब मुंशी जी को अपॉइंट करोगे तो खुद से मान लेंगे कि बिजनेस विल हैव इनडेफिनेट लाइफ और उसके बेसिस पर अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। मुंशी जी खुद से मान लेंगे कि फॉर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हैज टू बी फॉलोड। हाँ अगर नहीं होता होगा मेरे यहां तो मैं खुद बताऊंगा। मुंशी जी ध्यान रखना, हम अक्रूअल बेसिस से अकाउंटिंग नहीं करते, हमारे यहां कैश बेसिस लगता है।
और अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तो यस, मुंशी जी के लिए ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है और अक्रूअल बेसिस से किताबें मेंटेन करनी हैं। तीसरी एक और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है हमारे पास, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। कॉन्सेप्ट तो है ही सारे, ये तीनों में से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन की डेफिनेशन में भी आते हैं। कंसिस्टेंसी ये क्या कहता है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तीन हो गए हमारे इसका मतलब इस तरीके से। एक मैंने बताया इससे पहले आपको, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तो हैं ही, लेकिन इन तीनों को फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी कहते हैं। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। राइट, अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तीन हैं, गोइंग कंसर्न, अपने आप मान लेना कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है और इस हिसाब से अकाउंटिंग करते चलना। दूसरा वी हैव अक्रूअल बेसिस, कि जितना भी अकाउंटिंग करनी है वो मर्केंटाइल बेसिस पर करनी है, ड्यू बेसिस पर करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है, कोई प्रीपेड है तो माइनस करना है। एंड तीसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स वंस अडॉप्टेड वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी आपने रूल्स प्रोसीजर्स सेलेक्ट किए हुए हैं, विल बी कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। क्या मतलब हुआ? मुंशी जी आए, मैंने कहा नए मुंशी जी आए हैं अभी, पहले कोई और थे। मैंने कहा मुंशी जी अकाउंटिंग की जिम्मेदारी संभालो। अब मुंशी जी आए मेरे पास, बोला सर वो पिछली बार तो डेप्रिसिएशन SLM से लगा हुआ था, मैंने अभी ज्वाइन किया है, इस साल कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है? पिछली बार तो हम इन्वेंट्री को इस तरीके से वैल्यू करते थे, इस साल कौन से मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है? सर पिछली बार तो इन्वेस्टमेंट्स को हमने इस तरीके से दिखाया था, इस साल इन्वेस्टमेंट्स को कैसे दिखाएं? एंड सो ऑन। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया मुंशी जी को पूछने की जरूरत नहीं है, जो रूल्स प्रोसीजर्स लास्ट ईयर फॉलो हो रहे थे विल बी कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर, जरूरत नहीं है। मुंशी ने देखा लास्ट ईयर SLM था तो इस साल भी SLM से डेप लगा दो। मुंशी जी ने कहा लास्ट ईयर इन्वेंट्री को ऐसे वैल्यू किया था, सेम रूल इस साल भी चिपका दो। हां कुछ चेंज करना होगा तो मैं खुद बताऊंगा आपको, अदरवाइज आप तो ये अज्यूम, आपकी ये फंडामेंटल बेसिक अकाउंटिंग करते हुए अजम्पशन रहेगी कि रूल्स प्रोसीजर जो लास्ट ईयर थे विल बी कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर। एक बार जो फॉलो हो गया वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि चेंज कर नहीं सकते, मैं बोल रहा हूं जब तक कुछ ना बोलेगा तब तक आप ये अज्यूम कर लोगे। सो दीज आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ऑल्सो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अक्रूअल कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी अजम्पशन। बेटा आई होप ये बीच में एक टॉपिक मैं ले आया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ
के इन तीनों को फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है, ये कहता है कि ड्यू बेसिस पर करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब कंसिडर करेंगे, और ये क्या कहता है कि रूल जो एक बार फॉलो हो गया वही रूल साल दर साल एज इट इज फॉलो होता जाएगा जब तक कोई और खास विशेष जानकारी हमारे को मुहैया ना कराई जाए। अपने आप तो हम यही मान लेंगे कि भैया जो पिछले साल हुआ बिल्कुल सेम सिस्टम सेम रूल सेम प्रोसीजर इस साल भी फॉलो करने हैं। बड़ा क्लियर है बात ये, जल्दी देखो फटाफट से बढ़े आगे। सो ये थे हमारे पास कुल मिलाकर 7 अभी तक हमने यहाँ पर कन्वेंशंस कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स कवर किए। कौन कौन से किए जरा बताना फटाफट से। एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि बिजनेस विल हैव इनफाइनाइट लाइफ, बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है। दूसरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने जल्दी बताओ बेटा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बाद बेटा कौन सा पढ़ा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी हर एंट्री के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल फाइंड प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चौथा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि पूरी लाइफ क्योंकि बहुत बड़ी है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट एंड सेगमेंट मीन्स अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 महीने का होता है, या तो फाइनेंशियल ईयर होगा या कैलेंडर ईयर होगा। और उसके अलावा तीन मैंने ये पढ़ाया आपको अभी तक, गोइंग कंसर्न अक्रूअल कंसिस्टेंसी, जिनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा चलिए इतना करेंगे, इसके आगे कुछ और बचे हुए हैं, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा चलिए, थैंक यू, बाय बाय।